أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا عماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا جل ممدود ولا وقت معدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدا بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتد الله فكان قاب قوسين ودنا حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد الله صلى الله وعلى اله ترين الله غُرِّ الميامين المهجلين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تَتِيرًا اللهم الله صل الله. على محمد من اول يوم ظلمهم الى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البحر والبر صلوات الله عليه अगच जैसा कि मैं आगा तकी से कहा था कोई ख़ास मौजू अगर ख़्वाहिश है तो कहा कि नहीं अलगदीर की तरफ से कोई मौजू नहीं है तो आ, जाहिर है मैं इसलिए मैं पूछता हूँ कहीं भी कि जिन मौजुआत पर दो महीने मुसलसल आप सुनते रहे हैं और उन्हीं मौजुआत पर गुप्तु हो तो तकरार है उससे इलम में इजाफा नहीं होता और मजलिस चूंकि ये एक मदरसा है ये मदरसा हुसैन इब्न अली है इस मदरसे की खसूसियत खूबी ये है कि कायनात में किसी मकतब व मजहब के पास ये मदरसा नहीं है जो मेरे आपके पास है और चूंकि कायनात में किसी मकतब व मज़हब के पास ये मदरसा नहीं है और मेरे आपके पास है तो मदरसे में जो दरस जिंदगी भर एक ही दर्स दोहराने के लिए मदरसा नहीं होता है मसाज जो खोला जाता है इंसान की तरक्की के लिए है, इंसान के मुसलसल आगे बढ़ने के लिए तो जिस मंजिल तक इंसान पहुंच चुका मसला फ़र्ज कर लीजिए मुझसे पहले ख़बला सदक़ साहब गुप्त कर चुके हैं यकीन मुझे उनके मिजाज का इलम है वो ज्यादातर अमरबिलुआरूफ नहन मुनकर के स्पेषलिस्ट हैं खासतौर से खासतौर से फ्री मसाइल में इसी तरह से बाज़मा को आप बुलाते हैं वो उनकी ए, उनका तखशु है फजाइल में और बाज़ अफराद को आप बुलाते हैं तो उनका तखस से मसल फ़ैलिए तबर्रा वगैरह में बाजमा को आप बुलाते हैं रज़ पूरे दो महीने आठ दिन जब आप आपब दिनी तलबा को बुलाते हैं तो मेरी यानि ी मेरी राय ये है कि आप आपने जो कुछ जहां तक सुना है उससे आगे आप क्या सुनना चाहते हैं वो अगर पहले से तय करें कि यहां तक हमने सुना है अब इसकी मजीद तकरार नहीं होनी चाहिए तो उससे आगे आप अगला हदफ क्या है वो अगले आने वाले को अगर आप बताएंगे तो फिर उसकी शर्य अखलाकी अभी मैं तकरीबन अस्सी मजलिसें एक महीने में टोंटों में पढ़ कर आ रहा हूं। हर मजलिस का ऐनवान किसी में तरबियत औलाद का अनवान था किसी में मौजूदा हालात और हर मजलिस का एनवान बिल्कुल मुख्तलि चोकि दीन इस्लाम एक जाबते हयात है इस जाबते हयात में आप मेडिकल से तालीम से सियासत से अकतदियात से लेकर जिंदगी के वो दिन जो मुझसे और आपसे कहता है इन समबसर के सुला बन ए हम तेरी सामात तेरी बसारत और तेरे दिल व दिमाग के बारे में हम सवाल करेंगे कि इनको तू ने कहा और कैसे इस्तेमाल किया जाहिर है कि समात व बसारत व दिमाग के बारे में हर जर्रा हुक्म पूरी तरह खोल कर बयान किया तभी तो मुझे सवाल करेगा जब तमाम अहकाम इस दिन में समात से मुलिक बसारत से मतलक जहन से मुताल तमाम अहकाम मौजूद हैं तो क्या हमने समात के ऊपर सिर्फ समात के ऊपर कुरान क़रीम ने इस समात के ऊपर जो मुझसे पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा या बसारत के ऊपर मसलन फर्ज कर लीजिए क्यामत के दिन ये तो हम सब को पता है कि मेरी आपकी आमाल की किताब हाथ में थमा दी जाएगी यही सूर बनी इसराइल अर्षाद होता वकुल हर इंसान के नाम अमल को लपेट के किताब की सूरत में उसकी गर्दन में बांधा है सुमन्ना खुरजुल्हमक़याम किताब अल्का मनशूरा जब क्यामत के दिन इस इंसान को कबर से निकालेंगे तो अपनी अमाल की किताब अपनी गर्दन में खुली हुई पाएगा उस दिन हम क्या कहेंगे किताबक पढ़ ले तू अपनी किताब खुद ही पढ़ ले किताबक कफा बिन नफ्स का ले का हसीबा आज तेरे मुहासिबे के लिए खुद तेरा नफ्स काफी है पढ़ ले तो आप जानते हैं कि जब ये किताब न तो हम रहीम मादर से आते वक्त कोई किताब लेकर आए हैं न यहां से जब अगली मंजिल की तरफ जाते हैं तो कोई किताब लेके जाते हैं ये किताब कौन सी किताब है जिसके बारे में साफ तौर से कुरान करीम वकुल्ल इंसान हर इंसान मोमिन मुतकी परहेजगार हिंदू फासिक फाजिर हर इंसान यहां इंसान की बात की है यहां तखवाओ मोमिनों मतकी की बातें कि वुल्ल इंसान हर इंसान अलजम ना होता इरा उसके नाम अमल की किताब उसकी गर्दन में बांधा है अलजम ना होता है तो मन्ना खुरजुल्लम किताबन या अल्का मंशूर जब निकालेंगे तो अपनी किताब खुली हो पाएगा तो हर इंसान अपने अमाल की किताब अपनी गर्दन में ये कहा कब कैसे कौन लिखेगा मुझसे लिखवाया जाएगा किस तरह से इस किताब के बारे में इस किताब के बारे में जिस ये बनी इसराइल सुरह बर क्यामत में सुर तकवीर में शुरे वाक में दूसरी सूरतों में इसकी तरफ इशारा है कि ये किताब किस तरह की किताब है जह, जाहिर है कि इससे पहले यही बनी इसराइल इसी आयत से पहले की आयत है कि हर इंसान यानी हम इंसान से सवाल करेंगे उसकी बसारत उसकी दिलो दिमाग के बारे में सवाल करेंगे इन ताकतों को कहाँ इस्तेमाल किया तो मैंने जहन में सोचा क्या था ये भी उस किताब में देखा क्या था ये भी उस किताब में जबान से मैंने क्या लफ्ज निकाला था ये भी उस किताब में मेरी जिंदगी में होश संभालने से लेकर आंख बंद होने तक जो कुछ देखा कहा सोचा चला हाथ उठाया कदम उठाया वो सब उस किताब में उस किताब का नाम क्या है किताब उल ईमान है किताबुलद्दीन है किताब उशिरक है, है उस किताब का नाम अगर खुश अख्लाक था तो हसन अख्लाक है उस किताब का नाम अगर बत अखलाक था तो सल खुल्क है तो मैं आप सर्च करूं कि सिर्फ मुकदमाती तौर पर मैं आपकी खिदमत में यह गुजारिश पेश कर रहा हूं चूंकि अगर आप मदरसे में स्कूल में हैं और इस मदरसे में स्कूल में मुतवातिर और मुसलसल सुन रहे हैं चूंकि इंसानी फितरत है कुल्लो जदीद लजीज आप मसल करिए मैं नजब से पढ़कर आया हूं मुसलसल दस साल तक मैं आपके साथ रहूं मैं कुरान करीम को घोल के पिला भी दू तो यकीन जानिए एक दिन अगर कोई नया शख्स आया पता चला इस शहर में नया आलिम आया खाओ नजफ़ का न भी हो कुम का न भी हो मस हिंदुस्तान पाकिस्तान से पढ़ का है जब आपको पता चला कोई नया खतीब नया आलिम आया है पूरा शहर आ जाएगा उसकी वजह उसकी वजह कि इंसानी फितरत है कुल्लू जदीद लजीज हर जदीद लजीज होता है तो इस बिना पर हर जदीद दर्श भी लजीज होता है और इसी तरह से अगर हर दर्श की तकरार हो जाए तो वो जदीद नहीं है और जब जदीद नहीं है तो तबीयत इंसानी उगता जाती है इस बिना पर मैं कहीं जाता हूं तो मैं पूछ रहा हूं कि कोई खास मौजूद है आपकी तरफ से कि जिस पर मैं मुआन गुफतग करूं एक तो मेरे लिए आसानी होती है मेरे लिए आसानी होती है कि मैं अखवाक पर गुफ करूं अलाम जहूर पर गुफ्तू करूँ फराइज पर गुफगू करूँ फराज फलसफे फ़राइज पर गुफगु करूं शहजादी जहरा से अमला रिहा का खुतबा जो फलसफे फराइज पर है या मेरिन का खुतबा खुदबा बलागत पर गुफ्तू करूँ तबसर कुरान पर गुफ्तु करूँ मैं किस मौजू पर गुफ्तगु करूँ तो गुफ्तु इसलिए अगर मुझे पता चले कि इस शहर में इस सेंटर में इस मरकज में दो महीने तक इन अनवानात पर गुप्तु हुई है तो मेरी शरीर और अखलाकी जिम्मेदारी है मैं कौम को उससे आगे लेके चलो यानी जहां तक कौम उसके बाद मेरे बाद जो आएगा उसकी जिम्मेदारी है कि फिर कौम को उससे आगे यकीन जानिए अगर साल में जो हम मजालिस सुनते हैं इन मजालिस में तीन सौ पैंसठ दिनों में अगर तीन सौ पैंसठ रिवायतें नहीं और तीन सौ रिवायतें भी नहीं बल्कि तीस रिवायतें भी अगर हर मोमिन याद कर ले तीस रिवायतें तो आप जानते हैं मन हाफिज़ा, और बीन हदीर सन सरवर कायनात का इर्शाद जो शख्स चालीस हदीसें याद कर ले जबानी मन हफिजा और बीन हदीर सन अल योम फकीहन माल अनबिया उस शख्स को परवरगार आलम कयामत के दिन फकीह के तौर पर अनबिया की सब में खड़ा कर देगा जिसे चालीस हदीसें याद हो तो क्यों नहीं याद होती है जब हम जिंदगी भर सुनते हैं तो चालीस हदीसें हमें याद होनी चाहिए हर मोम इनको याद होनी चाहिए यह उस वक्त मुमकिन है कि जब आप एक मंजिल से अगली मंजिल तक अगली मंजिल की तरफ बढ़े तो बहरहाल मुझे अंदाजा नहीं है मैं अपने तौर पर कोशिश करूंगा अखलाकियात और खास तौर से जो वाकयात गुजर रहे हैं यकीनन मैं अभी मैं तो जा रहा था पहले अशरे के लिए तो पहला अशरा पढ़ के मैं कैनकट से मैं जा रहा था न्यूयॉर्क तो रास्ते में हमारे डॉक्टर साहब अभी आ गए डॉक्टर नवेद इनका फोन आया कि कबला मुबारक हो मैंने कहा क्यों डॉक्टर साहब कहने लगे अब्दुल्ला मर गए तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब अब्दुल्ला नहीं मरे कहने लगे किबला कि ये देखिए सामने मेडिकल बोर्ड बैठ के कह रहा कि अब्दुल्ला मर गए मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मेडिकल बोर्ड क्या ये पूरी दुनिया कहे मर गए तो मैं नहीं मांग सकता मैं मैं कहता हूं नहीं मार गए डॉक्टर साहब को तजुबा मेरे सामने बैठे हुए हैं कहने लगा आगा देखिए पूरा बोर्ड बैठ के कह रहा है जद्दा है जद्दा में सारा बोर्ड बैठ के कह रहा मार गया सारा बोर्ड तो छो, छोड़िए सारा सऊदी मिलके कह दे सारी दुनिया मिलकर कह दे अब्दुल्ला मर गया मैं नहीं मानूंगा कह लेंगे उसकी वजह उसकी वजह यह है कि उस कब मरेगा कैसे मरेगा कहा मरेगा कौन ऐलान करेगा कहाँ ऐलान करेगा कैसे ऐलान करेगा पूरी रिवायत मुझे हेफ्स है और चूंकि पूरी रिवायत मुझे याद है और उस रिवायत की सनत भी मुझे सही तौर पर सनत भी मासूम तक पहुंचती है तो जब एक रिवायत बिल्कुल सही सनत के साथ मासूम तक पहुंच जाए ये पूरी कायनात एक तरफ हो जाए मेरा मासूम गलत नहीं कह सकता तो इस बिना पर यह शोहरत तो है मगर यह शोहरत अरबी में है, रूब शोहरत बहुत सी ऐसी मशहूर बातें बाते मशहूर हो, हो जाती हैं कि अगर तलाश करते जाए तो उसकी कोई असास बुनियाद नहीं होती है खैर मैं वापस जब न्यूयॉर्क से दो तीन मजलिसें थी पढ़ के वापस जा रहा था तो मैंने देखा टीवी पर देखा कि अब्दुल्ला व्हील चेयर पर अस्पताल से घर जा रहा तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को फोन करके कर, डॉक्टर साहब आपने कवर में लिटाया था मैं तो वापस घर लेकर आया हूं तो वो घर वापस जा रहा तो उसके बाद अभी एक महीने अभी चंद दिन पहले फिर मशहूर हो गई बात वो मर गया यानी हर दो महीने के बाद उसे मार देते हैं वो फिर जिंदा हो गया था उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि मासूम यानी दुनिया पूरी दुनिया कह दे मगर अगर मासूम ने आप ये जो ईमानों अकीदे की मंजिल पर डट जाते थे इन लदीन अकाल और अब सुस्त काम

एक अजीब तरबियत थी मासूम की तरबियत वो बुनियादी तरबियत ये थी कि मसलन कंबर से कंबर को जब गिरफ्तार किया बिन यूसुफ कंबर ला को जब गिरफ्तार करके कहा कि हाथ में तलवार लेकर तो अली का गुलाम था हाँ गुलाम था क्या काम करता था अली के लिए वजू का पानी देता वजू करते वक्त अली क्या पढ़ते थे कहा वजू करते वक्त अमीरिन सूर्य निशा की आयत नंबर पैंतालीस की तिलावत करते थे आयत नंबर 45 क्या है कि खुदा जालिम को मोहलत देता है जब जालिम हद से ज्यादा तो करता है तो फिर खुदा उसे पकड़ के मुंह के बल जहन्नम डाल देता है तड़पा तड़पा के हजात बिन यूसुफ ने कहा यकीन अली इस आयत की तिलावत हमारे बारे में करते होंगे तो कह सकते थे कंबर ये कह सकते थे मुझे क्या पता ये कुरान करीम की आयत है कुरान करीम की आयत में किसी शख्स को मुआन नहीं किया है यानी कोई मुआन शख्स नहीं है कि यह कह दें कि यह आयत इसके बारे में मुझे क्या पता हो सकता तुम्हारे बारे में हो, हो सकता है किसी और के बारे में हो, हो सकता जिसके बारे में नाजिल हुई थी उसके बारे मुझे क्या पता मगर जिस कंबर को अली ने तरबियत इसी तरह से दी हो कि कंबर तुम मेरी मोहब्बत में जिबा हो जाओगे उसे सौ यकीन है कि वो इसके हाथ से जिबा होगा। तो जब इमाम के कौल पर उसे कौल खुदा की तरह ईमान है तो फिर उस मंजिल पर वो तीन काल से काम नहीं लेता वो साफ तौर से कहता हाँ मुझे यकीन है और मुझे पता है कि अली खास तौर से तुम्हारे बारे में इस आयत की तिलावत करते थे उसकी वजह उसको पता था कि अगर ना नहीं, मुझे क्या पता? तो भी मासूम का कॉल गलत नहीं हो सकता इसी के हाथ से मुझे जिबा होना जब मुझे इसी के हाथ से जिबा होना है और मेरे मासूम ने सदाकत के साथ हो जा माविया ने जब अंगुलियां काट दी सारे हाथ की उंगलियां काट पैर की उंगलियां काटी जब हाथ को काटते काटते जब कोहनी तक आया तो हजर इबनादी ने कहा यकीन आगा साहब भी आप सब गए होंगे शाम में अमीर मुमन नाराज होते हैं जो शख्स शाम जाए हजर की जियारत ना करे हजर इबनादी जब कोहनियों तक बाजू टुकड़े टुकड़े करते करते माविया यहां तक पहुंचा तो कहा भी मुझे मोहलत दे कई के लिए एक लम्हे की मोहलत दे नजब की तरफ रुक करके कटे हुए बाजों को उठा के कहा असलामूह सिल अकबर ज्यादा सच बोलने वाले आका इस गुलाम का आखिरी सलाम कबूल, चूंकि क्या इन्हें तकलीफ नहीं होती है नहीं तकलीफ होती है मगर चूंकि इनकी तरबियत इस तरह से हुई है इनके खून में विलायत इस तरह से शामिल हो गई है ये जानते हैं कि जिस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं ये मंजिल कौल मासूम के मुताबिक यहां से मफर नहीं है जब मफर नहीं है तो क्यों ना खानद पेशानी के साथ शहादत को गले से लगाया जाए क्यों न पूरी खुशी के साथ शहादत को दामन आगोश में लिया जाए तो ये लोग कुमैल इपने ज्यादात हो तिरमा इपना अदी हो सासा इबन सोहान हो मालिक अश्तर हो मोहम्मद अब अभी बकर हो गधे की खाल में जिंदा जलाया जाने वाला मोहम्मद इबन बकर जलती हुई खाल से याली की सदा आती है कह सकता है मगर नहीं इनकी तरबियत इस तरह से हुई थी मदरसे अली ने अली में तरबियत इस तरह से हुई थी इन्हें पता था कि जो कुछ मासूम की जबान से निकला है वो पाए तकमील तक पहुंचेगा तो जहनी तौर पर पूरी तरह आमादा होते थे आज मेरे आप के लिए भी मैं आपसे अर्ज करूं मेरी आपकी जिम्मेदारी क्या है अमना वन बेशक मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि मजलूम के हक में रोड पर निकलें, मुजाहरा करें मुतालबा करें यकीन खामोशी हराम है जुल्म के खिलाफ मगर यकीन जानिए कि अगर वाक विलायत अली और औलादरी मेरे दिल में है तो तूल तारीख में इस विलादत विलायत का इम्तिहान जिन हस्तियों ने दिया उस वो इम्तिहान मुझे और आपको भी देना है आज नहीं तो कल मुझे और आपको भी इस विलायत का इम्तिहान देना है उसकी वजह उसकी वजह कौल मासूम यही एक तो कौल है गौरान करीम कुरान करीम साफ तौर से इरशाद इर्शाद नास अब नकुक अमन्न क्या लोग ये गुमान करते हैं कि मोमिन है कहने से छोड़ दिए जाएंगे हाँ तुम मोमिन हो बस जन्नत के दरवाजे खोल दिए तुम जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ बस तुम मोमिन हो क्या हम इस तरह से करेंगे फत्तन ये किस तरह से सोचते हैं क्या अमन सुकून से दो रखात नमाज पढ़ ली रोजे रख लिये हज कर लिया जियारत कर ली मोमिन हो गए बस जन्नत के दरवाजे खोल दिए और फिर यह जियारत मैं तो अब जाके इमाम के सामने सलाम करता हूं वो तो खिदमत करता था कंबर उसे काटने की क्या जरूरत थी खिदमत करता था कुमेल इब्न इब्न ये सब करते थे शब रोज खड़े होकर इमामत की जिन्होंने खड़े होकर खिदमत की वो अपने आप को बचा सकते थे हमने जिंदगी भर इमामत की खिदमत की चलिए हम बच जाते हैं नहीं शहादत आखिरी मंजिल थी उनकी तो मैं आपसे अर्ज करूं जब इमाम की बारगाह में अबू बसीर आते हैं तो कहते हैं कि मैंने देखा हजरत रो रहे हैं मैंने सवाल किया फर्जंद रसूल सबब गिरिया तो हजरत ने सुर बकर बेअन ही ये रिवायत इस वक्त पाकिस्तान में शियान अली पर यह रिवायत पूरी तरह मुंतबिक होती है मासूम मेरे मासूम इमाम का इर्शाद इस इर्शाद को अल्लामा हायरी यजदी ने नासिब की पहली जिल्त में इसी आयत की तफसीर में नकल किया है महदी में मेहदी ममूदा ने इसी इसी, रिवा, इसी आयत की तफसीर को नकल किया है और इसी तरह से हजरत के सिलसिले में बेहतरीन किताब जो इस वक्त मार्केट में मिलती है बहुत सी किताबें मिलती है नासिर मकारिम के आ, शराजी की किताब है इनकलाब महदी इसी तरह से असर जहूर और की किताब है इसी तरह से दूर मकसूद के नाम से इसी तरह से बहुत सी किताब मगर बेहतरीन किताब इस वक्त आपको मार्केट में मिलती है जमाल

कोयटे की हद तक नहीं है ये गिलगित की हद तक नहीं है ये पारा चिनार की हद तक नहीं है यह बलोचिस्तान की हद तक नहीं है यह पाकिस्तान की हद तक नहीं है। आप देख रहे हैं इराक में इराक में रोजाना धमाके हो रहे हैं रोजाना धमाके होते हैं पचास साठ सत्तर रोजाना शहीद हो रहे हैं आप देख रहे हैं शाम में शाम और, और खास तौर से शाम के बारे में देख रहे हैं तीन एक मोहल्ले में तीन जिबा होते हैं और खासतौर से आप इंटरनेट पर जाके देखें एक बहुत खूबसूरत जवान को लेटा कर उसके हाथ पीछे से बांध के इंटरनेट के ऊपर और पैर भी बांध के छुरी हाथ में लेके ये एक गज लंबी दाढ़ी और हाथ में खंजर लेके उस खूबसूरत जवान के गले पर खंजर चलाने से पहले कहता है अल्लाह या रसूल या अल्लाह आनेक रेरी रजा के लिए मैं इस मुशरक को जिबा कर रहा हूं या रसूल अल्लाह आपकी रजा के लिए मैं इस मुशरक को जिबा कर रहा हूं खंजर चलाने से पहले रसूल खुदा पर सलाम बेचता है और खुदा से कहता है कि परोदगा तेरी रजा के लिए मैं इसको जिबा कर रहा हूं अनबिया आदम से लेकर खातम तक कौन सा पैगंबर था जो इंसानों को लेटाकर जिबा कर रहा था किस किस पैगंबर ने जिबा किया इंसानों को खुदा की रिजा के लिए ये किस पैगंबर की है? किस बिना पर? ना इनका ताल्लुक न पैगंबर से न खुदा से जाहिर है। जो किसी एक नफ्स को मोमिन नहीं एक जगह मोमिन का लफ्जा मोमिन जो एक मोमिन को जान कतल कर, कर दे तो जजा जहन खालिदन जजा उसकी जहनम है हमेशा उसमें रहेगा क्योंकि खुदा क्या नहीं जानता खुदा यानी खुदाई काम इन लोगों के सुपुर्द किया है तुम जाओ जिबा करो किस न किस पैगंबर ने अपनी शरीयत को नाफिज करने के लिए इंसानों को जिबा करके बताया कि तुम जिबा करो ताकि तुम यानी एक इंसान को जिबा करके अभी पाकिस्तान का वाक एक इंसान को जिबा करके कहता है कि मैं अब पैगंबर खुदा के साथ सुबह के नाश्ते में जन्नत पहुंच जाऊंगा जब इसको जिबा कर लूंगा उसके बाद अगर मैं मार दिया जाऊं तो पैगंबर खुदा जन्नत में मेरा इंतजार कर रहे हैं नाश्ते पर मैं जाकर पैगंबर खुदा के साथ नाश्ता करूंगा मैं अफसाज करूं अभी आगा आगा, आगा साहब ने बताया इनके अजीज है आगा फरहत मोसीका हमें सफर का पहला अशर कोई दस साल से पढ़ता हूं अभी वो हज से आए हैं तो सऊदी अरब से दो तीन किताबें लेकर आए खुद सऊदी ओलमा ने छापी है आप हमारे मकतब में दुरुस्त आप भी मैं भी हर शख्स इस बात को जरूर मानता है कि किसी मकतब और मजहब के असास और बुनियाद किसी मकतब पर गाली गोलोश नहीं है कोई मजहब यह इजाजत नहीं देता क्या आप मजहबी तौर पर किसी को गाली दें नहीं मगर किताबों में जो रिवायात आई है आप अगर दुश्मनान आल मोहम्मद सल्वातम से सरवर कायनात के आल पाक के दुश्मनों से इजहार बेजारी ना करें खामोश रहें दुरुस्त मसला तो वक्त यही है कि आप ना बोले मसला तो वक्त यही कि आप खामोश रहें कत्ल आम हो रहा आप सिर्फ अमर बिलमारूफ नहीं मुनकर अखलाकियात पर गुप्त करें इसलाह इंसान की अपनी असलाह सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबसे पहले अपनी असलाह बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा काम है अनबिया आते थे तो अपनी जात से शुरू करते थे घर घर से शुरू करते थे खा, खानदान हजरत खदीजा सलाम से शुरू किया जैद से शुरू किया उसके बाद वह अंजर अशरत अब जो आपने अपने घर को अपना घर आपने निशाने के तौर पर पेश किया कायनात के सामने अब अपने खानदान के करीब तरीन अफरा शौरा की आयत जो पहली आयत है के बाद नाजिल हुई सरवर कायनात पर अब अपने खानदान को डराइए तो खानदान को डराने का हुक्म आता यह दीन किसी खानदानी दीन का नाम नहीं है एक खानदान के लिए नहीं आया मगर चूंकि अगर मैं बाहर निकलू कायनात की इसलाह के लिए तो सबसे पहले हर शख्स फितरतन मुझे देखेगा ये जो इसलाह के लिए निकला है खुद इसकी जात क्या बल्कि कुरान मुझसे खताब करके क्या कहता अता अमरुना क्या तुम लोगों को नेकी की हिदायत करने के लिए निकले हो वह तन सऊना न अपने आप को भूल जाते हो वह अंतुम तलूनल किताब और तुम ही तो हो जो किताब की तिलावत करते हो अफलाता तुम्हारी अकल को क्या हो गया यानी फिर सूरह सफ कि दूसरी आयत लिमत मालाता फलून वो बात कहते क्यों हो जिस पर तुम अमल माला तफलू जिसे तुम करते नहीं हो कबूर मखतान अंद अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी बुराई है कि इंसान जबान से वो बात कहे जो खुद अमल ना करे कबूर मखतान अंदू मालाता फलून ऐसी बात कहो जो तुम करते नहीं हो दुरुस्त फितरत इंसानी भी यही कहती है तो अनब्या भी आते हैं अपनी जात के बाद सरवर कायनात का एक पूरा मुनाजरा है ने मक्का से ने मक्का ने एक दफा सरवर कायनात को चैलेंज दिया आप पैगंबर हैं खान काबा के सामने तशरीफ फरमाते हैं आप पैगंबर हैं अपनी नबूत को साबित कीजिए हम दलाल देते हैं कि आप पैगंबर नहीं हैं और आप साबित कीजिए कि आप पैगंबर हैं हम मुनाजरा करना चाहते हैं तो सरवर कायनात ने फरमाया ठीक है कोई बात नहीं है मुनाजरा खैर बहुत दिलचस्प मुनाजरा है अल एहतिजाज में अलाम तब ने अपनी पहली जिल्द में दिया है और बिहार में भी है सातवीं जिल्द में बिहार की सातवीं जिल्द में सरवर कायनात के मुनाजरा मुश्रकी ने मक्का से सरवर कायनात से उस पूरे मुनाजरे में सरवर कायनात सल्हम का एक जुमला अब्दुल्ला नाम था जिसको कायद बनाकर आगे किया था अब्दुल्ला ये बता दे क्या मेरा बचपना तुम्हारे दरमियान नहीं गुजरा गुजरा है क्या मैंने अपने बचपने में तुम्हारे बच्चों वाली कोई हरकत की है नहीं क्या मैंने अपने बचपने में कभी मुझसे तुमने झूठ सुना है नहीं क्या मैंने बच्चों की तरह आम तौर से गली कोचे में मुझे खेलते देखा नहीं क्या बच्चे आमतौर से वालिदेन से डरते हैं तो झूठ बोलते हैं कभी मुझे बचपने में जब मैं छोटा था कभी मेरी जबान से झूठ निकलते हुए तूने सुना है नहीं ऐ अब्दुल्ला तूने इतनी लंबी तकरीर की कि खुदा को अगर नबी बनाना होता तो मक्के के फला शख्स को या ताइफ के फला शख्स को नबोत बना नबी बना के बेचता या कई सारा के जब सफीर आते हैं तो वो ऐसे अफराद को सफीर बनाते हैं जिनकी जिनके घर में दौलत की रेल पहल हो और बहुत ही दौलत कनीजें गुलामें गुलाम हो ऐसे को आप जिसके पास कुछ भी नहीं मालिक उल फिर एक बहुत ही बेमाल शख्स को अपना नुमाइंदा बना के भेजे तो हाँ, सरवर कायनात फरमाए तू जो मुझसे इस वक्त गुप्त कर रहा क्या तू मालदार नहीं है हूं क्या ताइब में तेरे बागात नहीं है हा है क्या खजूर के बागात ज्यादा होने से नबी बन जाता अगर खजूर के बागात ज्यादा होने से नबी बनता तो अब्दुल्ला तू बनता मेरा बचपन तुम्हारे दरमियान गुजरा बचपने से लेकर चालीस साल की उम्र तक एक नाशाइस्तल लफ्ज एक नाशाइस्तल लफ्ज जो इंसानियत के मुनाफी हो मेरी जबान से निकलते हुए सुना मुशरकिन चालीस मुशरकिन सरदार बैठे हुए हैं नहीं हमने नहीं, नहीं सुना क्या तुम यह समझते हो कि एक आम बच्चा बचपने से गोद मादर से लेकर चालीस साल की उम्र तक कोई ना आंख से ना हाथ से कोई खता नहीं कर सकता बगैर खुदा की नुमाइंदगी के बगैर क्या ऐसा मुमकिन है खामोश हो गए यहां सरवर कायनात ने अपनी जात को पेश किया अपनी जात को अपने बचपने को पेश किया बेहतरीन दलील के तौर पर कि मैं तुम्हारे बच्चों की तरह नहीं था और तुम जब तुम खुद मानते हो मैं तुम्हारे बच्चों की तरह नहीं था तो क्या तुम यह समझते हो कि एक आम बच्चा इस तरह से हो सकता है कि वो कत बचपने में न किसी से खेले न कोई गलत लफ्ज अपनी जबान से कहे न किसी की तोहिन करे न किसी से झूठ बोले न किसी को धोखा दे न किसी से वादा खिलाफी करे तो अपने बचपने को पेश किया तो दीन यही तक यह आयत यही कहती है दीन यही तक करता है कि इंसान दीन के नाम से सामने आए तो पहले अपनी इसलाह करे फिर दूसरों की इसलाह के लिए निकले दुरुस्त इसलाह बिल्कुल सही मगर इसलाह के पर्दे में माजरत के साथ इस्लाह के पर्दे में हम जिस विलायत पर हमें जिबा किया जा रहा है इस विलायत को अगर आज आपने हजर आदि की तरह मोहम्मद इब्न बकर की तरह सास इब्न सोहान की तरह इन मासूम बच्चों को यह विलायत मुंतकिल नहीं की आपने आपने अपनी शरी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो यकीन जानिए नमाजी तो होंगे मगर कोई गाजी नहीं होगा नमाजी तो होंगे मगर कोई विलायत वाला नहीं होगा ट्यूनुस में अलजायर में अक्सर और वेशतर सादात हैं अक्सर सादात हैं फातिमीन की हुकूमत थी वहां पर अक्सर सादात हैं आप जानते हैं ख़वारिश ख़वारिश का अकीदा रखते हैं उसकी वजह उसकी वजह तूल तारीख में वालदेन की खामोशी तूल तारीख में बिल्कुल खामोशी नमाज पढ़ ली रोजे रख लिए उसके बाद बता नहीं दिया कि हम कौन है हम क्या नहीं है नहीं बताया कि आपके आपकी बुनियाद क्या है अब पाकिस्तान में देखिए हिंदुस्तान में देखिए कितने सादात हैं जो गैर शिया हैं सही सादात हैं गैर शिया हैं उसकी वजह उसकी वजह के लिए शहीद सालिस आयतुल्लाह सैद निजवान तक मुकदमा पढ़ी अहकाकुल हक और बातिल का जो पहली जिल्द का मुकदमा पड़ी है कि क्यों शहीद वजुर्गार कहते हैं मुझ जैसे के लिए हिंदुस्तान में तकिया हराम है मुझ जैसे के लिए हिंदुस्तान में तकिया हराम है अगर मैं यानी शख्स और माहौल के एतबार से अहकामदी जैसा कि मैंने अर्ज किया शख्स और माहौल के एतबार से अकाम दीन ये दीन जिसकी असास हिकमत, फलसफा एलुम और हेलुम की बुनियाद पर है ये दीन कोई तलवार से नहीं फैला जिस तरह से आज ये कर रहे हैं जिबा इस तरह से दीन नहीं फैला तो जब दीन की असास बुनियाद इन अला खलुकन अजीम है तो ऐसी सूरत में यह एलम का दिन इसमें दुरुस्त की इसकी असासद मगर मकाम दिफाम है यही दीन जब दिफा के मकाम पर आता है तो फिर दूरी दुनिया से टकरा जाता है दुनिया पाश पाश हो जाए हजरत इमाम पंजुम लाले ने इशाद फरमाया कि सरवर कायनात की वफात के बाद सब मुनहरिफ हो गए कुछ बाकी रह गए उनमें भी ख्तसर से वक्फे के लिए दकदगा दग पैदा हुआ यह लफ्ज है दकदगा दग यानी शेक को शुबा पैदा हुआ अगर किसी शख्स में एक लम्हे के लिए भी शेक पैदा नहीं हुआ तो वो मकदार थे इमाम पंजुम स वो मकदाद थे मिगदाद इनकी तारीफ में अमीरमिन फरमाते हैं अगर मैं मिदाद को फुलाद के पहाड़ से तशबी दूं तो जिलजिला जब आता है तो फुलाद का पहाड़ भी हिल जाता है मैं मिगदाद को फुलाद के पहाड़ से भी तस्वीर नहीं दे सकता मिगदाद फुलाद का पहाड़ तो हिल सकता मगर मिगदाद नहीं हिलता था उसकी वजह उसकी वजह बचपने से अली से दोस्ती बचपने से अली के साथ उठना बैठना बचपने से जिक्र अली तो मैं सिर्फ एक रिवायत पेश करके मैं इस अपनी तमहदी तम्हीद, गुफ्तू को समेटता हूँ कि मैं इन शाला अलायम र अख्लाकत इन मौजुआत पर मैं आपकी खिदमत में अपने आइज़ पेश करूंगा और मौजूदा हालात जो गुजर रहे हैं यकीन जानिए मैं अब्दुल्ला का जो वाक़ बयान कर रहा था यकीन जानिए पुराने करीम की यह आयत जो आयतल नासिर मकायम शेराजी ने अपनी किताब इनकलाब मेहदी में और इसी तरह से अलाम मलसी ने मेहदी मऊद में इसी तरह से आयतुल्ला साफिक गुल ने मंतखब असर में सपने अतः असर जहर में कुरानी ने इन सारी किताबों में यह आयत कुरान की इन न हम यरा बीदन व करीबा लोग इसे बहुत दूर समझते हैं मगर अब वो बहुत करीब है इस आयत पर मशहत से दो साल हो गए आखिर सलाम लारे के हरम के मुतवली हैं आयतुल्ला तपसी वो इस आयत पर कि अब जहूर करीब है एनवान ही उनका यही है अब जहूर करीब है ये उनका एनवान ये है इस एनवान पर हफ्ते में दो दफा आते हैं दो घंटे टीवी पर बैठकर गुप्तगु करते हैं और दुनिया भर से सवाल आते हैं उनका जवाब देते हैं तो मैं आप सर्च करूं कि अब वक्त जहूर करीब है ऐसे तो हम मुयन नहीं कर सकते मुयन करना जायज नहीं है मगर जो औकात जो अलाइम बताए गए उनमें से यही अब्दुल्ला है कि अब्दुल्ला अब कब तक कितने दिन जिएगा दस दफा तो इसको मारा है फिर भी हम के लाते हैं नहीं आजा अभी न मर आखिर मरेगा गुर्दे सड़ गए हैं दिल सड़ गया है सब कुछ सड़ गया है पता नहीं खुदा ने फिर भी रखा इसको ये फिर भी मौजूद है तो कब तक कब तक दो साल तीन साल चार साल तो असर जहूर में अली कौरानी ने जो रिवायत नकल की इमाम शशम अलैहि से जो शख्स अब्दुल्ला के मरने की खबर दे मैं उसे अपने कायम के जहर की खुशखबरी दूंगा मौला से सवाल किया मौला इस अब्दुल्ला के मरने के बाद फिर मामला लंबा होगा हजरत ने फरमान नहीं है हरगिज़ लंबा नहीं होगा सालों की बादशाहत महीनों की भी नहीं रहेगी हजरत का जहूर होगा ये, ये रिवायत असर जहर इंटरनेट पर भी है इंग्लिश में भी है उर्दू में भी है आ, फारसी अरबी में भी है किसी भी जबान में आप जानते हैं आप इसको पढ़ लीजिएगा असर जहर हिजाज के वाकत हिजाज के वाकत हिजाज के वाकियात में आज यह है कि जब अयम पेशन गोई करते थे तो उस वक्त हिजाज की अलग हुकूमत नहीं थी यमन की अलग हुकूमत नहीं थी बहरीन की अलग हुकूमत नहीं थी इराक की अलग हुकूमत नहीं थी ईरान की अलग हुकूमत नहीं थी ईरान खत् अरब जजीरतुल अरब ये सब नशिया और तुर्किया तक यह सब एक हुकूमत सल्तनत इस्लामी थी उस सल्तनत इस्लामी में मासूम जब पेशन गोई फरमाता है तो हुकूमत हिजाज का हाकिम कहकर यमन का हाकिम कहकर ईरान का हाकिम कहकर इराक का हाकिम कहकर पेशन गोई फरमाते हैं तो इससे साफ तौर पर वाजह है मासूम का यह अर्शाद जाडन में भी अब्दुल्ला है मगर जाडन का अब्दुल्ला के बारे में और पेशन गुई है। इस अब्दुल्ला के बारे में यह रिवाज जो हिजाज का अब्दुल्ला तो मैं आप सर्च करता हूं कि अगर यह रिवायत फर्ज कर लीजिए सौ फीसद सही है अभी आप थोड़ी देर के लिए फर्ज करें सौ फीसद सही है ये रिवायत तो आपका क्या ख्याल है आप तजिया कर बैठ गए आपने रिवायत पढ़ ली किताब में जैसे ही अब्दुल्ला मरेगा आल सऊद टकरा जाएंगे जब आल सऊद टकरा जाएंगे उसी दौरान मेरे कायम का जहूर होगा यह ये रिवायत ठीक आप इस रिवायत को बिल्कुल जो अल्फाज मैंने नकल किए पांच मिनट के लिए मेरी इस गुप्तगु को सौ फीसद कबूल कीजिएगा बात में बेशक जहन से निकाल ले जब पांच मिनट के लिए मेरी इस गुप्तगु को आप कबूल करेंगे तो आप क्या तय करेंगे जहूर के बारे में क्या आपके जहन में यह बात नहीं आती है कि अब अब्दुल्ला की मौत करीब है तो गोया जहूर करीब है दुरुस्त है दुरुस्त है तो इसके माने जहूर करीब है मैं नहीं कहता किस साल न मेरे बस में है न शहर मुझे इसकी इजाजत है मगर यह रिवायत पढ़ने की तो मुझे इजाजत है कि अब्दुल्ला मरने के बाद महीना नहीं लगा हजरत का जहूर है यह रिवायत तो पढ़ सकता हूं यह रिवायत पढ़ने के लिए है जब यह रिवायत पढ़ने के लिए है और उसके अलावा मौलाया कायनात जब अलाई मत आया खुजुल मेहदी आमिर मौला कब महदी का जहूर होगा तो वो पूरा खुदबत जिसे नासिब में नकल किया मगर इस टुकड़े को मजलिसी ने भी नकल किया तूसी ने अमाली में नकल किया मजलिसी ने महदी मऊद में नकल किया शेख अब्बास कुमी ने जिसकी उर्दू में किताब मिलती है मुंतल अमाल में नकल किया जुजम हिस्सा आखिर अलायूर और इस पूरे इस खुतबे का टुकड़ा जो टुकड़ा मैं पेश कर रहा हूँ यही टुकड़ा एक एक लफ्ज के साथ मैं शेख अब्बास कुमी की किताब से पेश कर रहा हूँ मगर यही टुकड़ा आ, आयतुल्ला साफ़ी गुलपागानी के उसमें भी है आयतुल्ला नासिर मकारिम शहराजी शेरा, ने पचास अलामत जहूर दिए 50 علامات الظهور میں بھی یہ ٹکڑا شامل ہے مگر میں علامات الظہور آية اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب سے نہیں شیخ عباس خمی کی كتاب سے اذا امات الناس الصلاه و العمانة الامانه الكذب واكلوا الربا واخذوا الرشا وشيدوا البنيان وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا الصفاء وشاوروا النساء وقتلوا الارحام واتبوا الأحوال واستخفوا بالدماء وكان الحلم ضعفا والظلم فخرا وكانت الامراء فجرا والوزراء ظلما والارفا خوانا والقراء فسقا وظهرت شهادات الزور واستعلن الفجور وقول الاثم والبهتان وحلية المصاحب وزخرفت المساجد وطولت المنائر واكرم الاشرار وازدحمت الصفوف واختلفت الاهواء ونقذت الوقود واقترب الموعود وشارك النساء وازواجهن في التجارة حرصا على الدنيا وعلت اصوات الفساق واستمع منه وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء وتفقه لغير الدين وركبوا زوات

कोई चीज बाकी नहीं रही मैंने तर्जुमा तो पेश नहीं किया मगर वाला ही जो मैंने पेश किया मौला कायनात का कला इसमें से कोई चीज बाकी नहीं रही कोई चीज बाकी नहीं रही अब इसकी क्या माने इसके माने कि झहूर करीब है जहूर करीब है अब आइए इसका दूसरा रुख अगर हम इस बात पर एतकाद रख लें इस आज की गुप्तगु में हां वाकूर करीब है जहूर के करीब तरीन सबसे अहम तरीन अलामत करीब तरीन अलामत मैं देख रहा हूं मेरे मेहदी के जहूर से थोड़ा अरसा पहले लोग ज़िबाह करेंगे हमारे चाहने वालों के नाम देखकर अली अब्बास हमजे कासिम काजिम जाफर, बाकर तकी नकी हादी जैनब सकीना ये नाम देख के मैं देख रहा हूं जिबा कर रहे हैं उसके बाद हजरत जार और कतार से रोते हैं पैतीस बसुओं से जब गिलगित जा रही थी आपने देखा नाम देख के नाम देख के मेन रोड पर लेटा के हैवान की तरह जिबा कर रहे तीसरी दलील कि अब वक्त जहूर करीब है चौथी दलील कायनात का अदल के लिए प्यास का इजहार करना पूरी यह रिवायत मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती थी कि जब आका इमाम जमाना की गबत का फलसफा जब आप पढ़ते हैं तो किसी भी किताब पे देखिए है, पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं जुल्म की वजह से मोसा की तरह गायब हुए फिरौन के जुल्म से जैसे हजरत मोसा पर्दे गैब में गए हजरत शुएब के पास हजरत खुदा अब्बासी जालिमों के जुल्म से पर्दे गैब में गए तो अब्बास की हुकूमत तुर्किया तक सिंध तक जजीरतुल अरब तक थी इस महदूद हुकूमत के जुल्म से गायब होने वाला इमाम जब जुल्म कायनात में फैल जाएगा तो आएंगे तो क्या यह तजाद नहीं है रिवायत में आप सुन रहे हैं आप समझ रहे हैं आप मेरी गुप्तगु समझ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं समझ रहे हैं? क्या तजात नहीं है इस रिवायत में कि एक महदूद जगह पर जुलम है तो इमाम बबा गायब हो जाते हैं जब जुलम लामहदूद हो जाता है तो आ जाते हैं महदूद जुल्म को मिटाने के बजाय गायब हो जाते हैं जब जुलम पूरी कायनात पर छा जाए तो मिटाने के लिए आ जाते हैं जब महदूद जुल्म से खौफजदा होकर गायब हुए हैं तो जब यह जुल्म लामहदूद हो जाए तो कैसे मिटाएंगे समझ रहे हैं आप अब आइए असल मसला अदल की प्यास का है इंसानी फितरत में जब प्यास रखी है तो पानी रखा है भूख रखा है तो उसके मुकाबले में गजा है सर्दियों गर्मी का एहसास है तो उसके लिए लिबास है कुए शाही के तकमील के लिए जायज रास्ते हैं हर ख्वाहिश के लिए बाहर खुदा ने जायज तरीका रखा दुरुस्त सबसे अहम तरीन और असासी तरीन एहसास अमनों सुकूनो इज्जत नफ्स का एहसास कोठी हो ना हो दो दिन भी सोए तो सुकून से सोए गाड़ी हो ना हो दो लकमे खाए तो अमन से खा ले उसके पास दौलत की रहल पहल हो ना हो जिंदगी दो दिन की गुजारे तो बाइज्जत गुजारे दुरुस्त दुरुस्त जब ऐसा है तो अब इज्जत अमन ये कब मिलेगा कैसे मिलेगा जब कायनात में जुल्म छा जा जाएगा तो हर शेय मौजूद अदल की तलाश में निकलेगी अब जब हर शेय मौजूद अदल की तलाश में निकलेगी अब मैं अर्ज करूं तारीख उठा के देखिए फिर ने कहा अन बुकम लाला सुरेश हां बिल्कुल तुम परवरदिगार हो सजदा किया फिर उनके सामने सजदा किया पांच मिलियन श्यान अली का कतलाम किया इराकी चोप नहीं सर उठाया दुरुस्त मेरी आपकी जिंदगी का वाक है इसी तरह से आप तूल तारीख में जाइए इनके बुनियादी अकीदे में खास तौर से मकतबाद के मुकाबले में जो मकाब है इनका बुनियादी अकीदा था कि अति रसुल्लाकूमत है हाकिम जो भी हो वो उल उलामर है उसके मुकाबले में एतात महज करना उफ नहीं करना आज तूल तारीख में यजीद को माविया को बुरा कहना जायज न समझने वाले आज वही मकातिब अपने सरबरा को क्यों कत्ल कर रहे हैं कजाफी को किसने कतल किया शिया ने कतल किया या हम्बलियो हम ने हमबलियों ने हसनी मुबारक को किसने निकाला शाफी ने मिसर में शाफी की जात जैन उलाबदीन कितना प्यारा नाम है किसने निकाला मालिकी ने मालिकी है तीन उसमें किसने अब्दुल्ला साहेह को निकाला यमन से जैदियों ने कौन रोड पर है इस वक्त बहरेन में शिया तो शिया रोड पर बहरेन में जैदी रोड पर यमन में शाफी रोड पर कहा मिसर में हम्बली रोड पर कहा लीबिया में हनफी और हम्बली मालिकी रोड पर कहां शाम में इसी तरह से त्यूनुस में और अब आइए न्यूयॉर्क में 99 के नाम से जो रोड पर निकल आए क्या चाहते हैं वो बोले अदल यूरोप में जो रोड पर निकले थे वो क्या चाहते हैं आदल तो अब आप देख रहे हैं फितरत इंसानी अब बेदार हो रही है जब फितरत इंसानी बेदार जुल्म जब हद से बढ़ जाएगा तो हर शख्स जुल्म के दिफा में उठेगा तो जुल्म का दिफा हर शख्स नहीं कर सकता जब तक कि खुदा अपने नुमाइंदे को न भेजे जब हर शख्स अपनी फितरत की सदा के मुताबिक जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज बन जाएगा तो उस वक्त Osionfish. आज अगर सिर्फ मिलत जाफरिया कराची में रोड पर है कोयटा में रोड पर है जिनाजे लिए हुए कितने दिन गुजरे जिनाजों को लिए हुए तारीख इंसानियत में कभी ऐसा वाक नहीं हुआ जिनाजे लिए हुए तकरीबन आप देख ले अस्सी से पचासी जिनाजे लेकर रोड पर हैं. है कितने दिन गुजरे तकरीबन चार से पांच दिन गुजर रहे उससे भी ज्यादा रोड पर है यह तारीखी इंसानियत में नहीं हुआ जब यह जुल्म बढ़ताज आप देखा कभी किसी के सर पर जू भी नहीं रहेंगी मगर अब जब वो हिल के नहीं दिया जिनाजों को लेकर हटे नहीं तो अब क्या हुआ वजीर आजम भी जा रहा सदर भी जा रहा जो तालिबान का साथ दे रहा था इमरान खान जिसका नाम है वो भी जा रहा और हर शख्स इसको केश कराने की कोशिश कर रहा तो मजलूम जब मजलूमियत की इंतहा पर पहुंचता है तो अपने वजूद को बाकी रखना ज्यादा जरूरी नहीं समझता वो अपनी जतो नामोसो मजहब के दिफा में सरापा जब मुता, मुताल बन जाता है तो पूरी कायनात इंसानियत उसका साथ देती है तो ऐसी सूरत में मेरे अजीज जब फितरत इंसानियत बेदार हो जाएगी और आ, उसकी अदल की प्यास में रोड पर निकल आएगी तो फिर खुदा भी कहेगा अदले इलाही के कायम करने वाले बाबा अली का जुल्फकार को थाम ले निकल जा तो अब उस वक्त आका इमाम जबान रूही राहुल अदले अल्लाह इस एतबार से यानी दुनियावी हालात के इतार से आप देखें करीब है तो बस मैं सिर्फ चूंकि टोरटो में एक जगह मजलिस पड़ रहा था ईरानी आलिम आए मजलिस में तो मेरी अरब और खास तौर से आका इमाम बाकर जो इस सलमस के असल बानी हैं इमाम बाकर सलाम्ल सफ़ मातम बिछा के अगर खुद सदाजीन और शहजादी जैनब हैं मैं इसको फैलाने वाले इमाम बाकर सलाम्ल आजादारी को कुमैत को बुलाकर फरमाते थे कुमैत मरसिया पढ़ो तो मरसे गो शायर था कुमैत और सफ़े मातम बिछाकर इमाम पंजुम बुला कहते थे पस पर्दा खुवान इस्मत बैठी हुई है कुमैत तुम दिहाती लबो लहजे में तुम मरसिया पढ़ो तो देहाती लहजे में खलूस होता है बनावट नहीं होती है सजावट नहीं होती है, खलूस होता है तो उसमें वो मरस्य पढ़ते थे इमाम सलाम लाले भी रोते थे और पसपर्दा खातिन तो तहारत भी रोती थी मैं अभी चूंकि उस वो लबज मुझे बहुत पसंद है अगर आप यकीनन जो गए हैं अरब की ज्यारत के लिए यकीनन उन्होंने अखिल एक फ़लसफ़ा है शोदा की ज्यारत शाबान की ज्यारत है रजब की ज़्यारत है ईद उल फितर की ज्यारत है शब क़दर की ज्यारत है और बहुत सी ज्यारतें हैं आका इमाम आकएमस के आशूर की ज्यारत है क्यों अरब ही की ज्यारत को मोमिन की निशानी करार दिया गया चूंकि अब मैं मजलिस के अख्तिताम में हूं तो मैं इस फलसफे पर गुफ्तगू नहीं करता मगर एक दफा आप अरबेन की जियारत के लिए जाए तो आपको यानी जीता जागता इस सवाल का जवाब आपके सामने आ जाएगा कि अरबईन की जियारत को क्यों मोमिन की निशानी करार दिया गया है कि मासूम बच्चे भी रोड पर खड़े हैं पानी हाथ में पानी का गिलास लिए हुए यानी अगर आप सिर्फ उन बच्चों को देखें उन जयीफ अमर खीन को देखें तो किसी मुसीबत पढ़ने वाले खतीब की एक खतीब यानी ईरानी आलिम थे जो मेरी मजलिस आए थे तो मैंने ख्वाहिश की कि मेरी ख्वाहिश है मैं पढ़ता हूं तो मैं सुनना चाहता हूँ मैं नजफ़ में मुझे लुत्फ आता था सुन सुनने में जो लज्जत है वो जाहिर है पढ़ने में नहीं है पढ़ने में अलग लज्जत है तो मैंने उससे ख्वाहिश की कि चंद थोड़े से मसाइब पढ़ लें कहने का आगा ये मजमा आपका और मैं उर्दू नहीं जानता हूँ मैंने कहा उर्दू नहीं जानते मसाइब आप सिर्फ़ हुसैन कहे ये कौम जानती है तो वो गए मिंबर पर उन्होंने एक ताज़ा वाक़ सुनाया ताज़ा वाक़ ये सुनाया कि अभी अभी मेरे भाई भी मजलिस पढ़ते हैं कि आई है आगा मैं उससे ये मसाहब पढ़ रहा हूँ मैंने कहा हाँ मेरी मालूम में इजाफा होगा पढ़ लें कहने लगे कुंभ से एक खातून मोमिना जिसकी बेटी थी एक अकलौती बेटी थी फालिज गिरा था औलाद थी नहीं सिर्फ एक बेटी थी इस बेटी को लेकर कुंभ से मस्जिद जमकरान गई मंगल को जमकरान जाकर मस्जिद में बच्ची को लेटा दिया लेटा के सजदे में गिर के गड़गड़ाती हुई आका इमाम जवान फिदा को आवाज दी ए फातिमा के लाल मेरी औलाद नहीं है ये मेरी अकलौती बेटी है मैं आपसे कुछ नहीं चाहती फातिमा के लाल ए कायनात के मालिक अगर इस सपन मरियम मरीजों को शिफा देते हैं तो आप तो इस अपन मरियम के भी इमाम हैं आपके पीछे ही ईशा नमाज पढ़ेंगे मेरे आका मैं कुछ नहीं जानती मैं एक बात जानती हूं बस वही वास्ता दूंगी आपको मैं वास्ता देती हूं आपको शहजादी जैनब का मैं अर्ज कर हूं जिस लबजे में उस आलिम ने यह जुमला कहा पूरा मजमत तड़प गया मैंने हाथ जोड़ के दरखास्त दरख्वास्त एक दफा और दोहरा उस आलिम ने अपने लबोलहजा में इस जुमले को फिर से दोहराया वो माँ सजदे में फातमा के लाल तुझे वास्ता है जैनब का वो भी एक अली और फातिमा की बेटी थी मेरी अकलौती बेटी है उसने दो दफा तीन दफा तड़प के आवाज दी मेरी ये बेटी मुझे दे दे, तो एक दफा वो सजदे में है माँ सजदे में है मुसलसल शहजादी जैनब का वास्ता दे रही और कोई वास्ता नहीं शहजादी जैनब का वास्ते दे रहे एक दफा बेटी की जो अभी हिल नहीं सकती थी बोल नहीं सकती थी उठ नहीं हिल नहीं सकती थी मां सजदे में और आका इमाम जवाना को आवाज दे रही बेटी ने आवाज दी अम्मा बेटी अम्मा उठिए सर उठाइए बेटी तू हां मैं नहीं जिसको तू आवाज दे रही है खड़े हैं सामने उठी है, सर उठाया सिवाय जमाल है इलाही के कुछ नजर नहीं आया सिर्फ इस मोमिना ने एक लफ्ज सुना ए मोमिना दुनिया भर की हाजतें मुझसे तलब करो मेरी का वास्ता मत दो जब कोई ये वास्ता देता है तो मैं तड़प जाता हूँ साढ़े ग्यारह सो साल से मैं मेरी फुफी पर रो रहा हूँ तूने मेरी मुसीबत को तरोताजा किया मोमिन सर उठा ले, मैंने तेरी हाजत पूरी की तो अब मैं कहता हूं मेरे आका आपको एक मोमिन ने शहजादी जैनब का वास्ता दिया था आपसे आपने फरमाया कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तुम मेरी पोफी का वास्ता मत दो मेरे चौथे इमाम ने कैसे बर्दाश्त किया होगा इसीलिए मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं आकाश सबसे ज्यादा जुल्म कहा हुआ अश्शाम 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 जब पूछा मिनाल ने मौला सारा खानदान करबला में शहीद हुआ था मासूम बच्चे रास्ते में अल्लाह मर्सी कहते हैं अट्ठाईसवीं जिल्द बिहार अनवार के अट्ठाईसवीं जिल्द में इस रिवायत को नकल करने के बाद कि मौला जैन उलाब्दीन ने मिलहाल से फरमाया अश्याम 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 मजलिसी कहते हैं अगर मैं ये सवाल करता तो मेरे जहन में यह था कि आका कहेंगे फित तरीक फित तरीक फित तरीक मुझ पर सबसे ज्यादा जुल्म सितम रास्ते में हुआ जो जाहरीन गए हैं अगर हालात पुरामन हो तो आप अंदरून देहातों में जाइए आप देहातों में जाइए जिस रास्ते से काफिला गुजरा है उस रास्ते से देहातों में जाइए तो एक देहात पर साइन बोर्ड लगा हुआ है यहाँ मुस्लिम अकील के पांच बच्चे दफन है उससे आगे बढ़ी है यहाँ अब्बास के तीन बच्चे दफन है उससे आगे बढ़ी है यहाँ हसन मुश्तबा के चार बच्चे दफन है खुदा की कसम आप तारीख पढ़ने की जरूरत नहीं सिर्फ अंदरों ने सिंह अंदर कोफा जाकर आप वो जियारते कर ले तो आप देख ले कि अठतालीस मासूम बच्चों को लेकर मदीने से जो शहजादी जैनब चली थी वापस जब मदीना पहुंची थी तो सिर्फ तीन बच्चों को लेकर फातिमा के सारे बच्चे कहाँ गए मेरे चौथे इमाम जब गुजर रहे थे रास्ते से तो बच्चे जब सवारी से गिरते थे तो कोई उठाने वाला नहीं होता था बच्चा के, के शहीद हो जाता था बच्चे की कबर भी बाद में जहरा को देख के लोगों ने कब्रें बनाई है बच्चों की कब्रें भी इस मंजर को देख कर गुजरने वाला इमाम न तो रास्ते का नाम लेता है न करबला का नाम लेता शाम का नाम लेता वो भी तीन दफा शाम अशाम अशाम उसकी वजह आकाशिलान फरमाते हैं मिनहाल राह खुदा में शहादत हमारी अजमत है हम शहादत पर नहीं रोते मगर जब दर, बाब साद के दरवाजे पर काफिला पहुंचा तो हमें उतारा उतार के जब हम सबको एक ही रस्सी में बांधा तो जिस रस्सी में मैं और मेरी थी, उसी रस्सी में मैं बहन सकीना थी जब हम खड़े होते थे तो मेरी बहन को तकलीफ होती थी चीखती थी शाहजादी जैनब का दामन था मेरे बाजू तो मैं वो मंजर नहीं भूल सकता जिस वक्त यजीद तक से उतरा मलून उसने पूछा ये कौन कहा अली की बेटी उम्म कुलसुम कहा ये कौन है जिसने बालू से सर को छुपाया कहा ये अली की बेटी जहरा की लाल जैनब है जब जैनब का नाम सुना तो पसे पर्दा खुवान का दरमियान हिंदा बैठी हुई थी शाहजादी का नाम जैसे ही सुना वाह जैनबा कहती हुई हिंदा सामने आ गई तो यजीत ने देखा दरबार में हिंदा आ गई उसके सर पर चादर नहीं है तो यजीत ने कहा हिंदा मुझे पता तू हुसैन को चाहती है बेशक तू हुसैन को चाह मगर वापस चली जा यहा नाम बैठे चादर उठ के आ जा तो आयतल मिशीनी कहते है दुनिया का बैरत तरीन इंसान अपनी बीवी हिंदा से कहता चादर ओट के आ जा हिंदा अपने बाजू को छुड़ा के हट जा जिस दरवाजे ने मेरे सर पर चादर डाली थी उस दरवाजे की चादर हटा के तू मुझे चादर पहनाता हट जा अपना बाजू छुड़ा के आगे बढ़ी कहा मेरी शहजादी का नाम कैसे लिया कहा है तारुफ कराने वाले ने कहा मलिका यह है शहजादी जैनब कदमों पर लेट के हिंदा ने कहा शहजादी अब्बास कहा थे जो आप यहाँ तो शाहजादी ने फरमाया हिंदा जख्म में इजाफा रखकर चली जा जिस बहन के भाई अब्बास होते तो उस बहन के बाजू में रस्सी नहीं बांधी जाती तो हिंदा सर नहीं उठाती है एक मतलब तो अपनी अबा उतार के ये खबीज जब हिंदा की सर, के सर पर डाल देता है तो मेरा चौथा इमाम करबला कर रुख करके आवाज देते हैं बाबा अगर मेरे दोष पर अबा होती तो मैं भी अपनी फूफियों के सर पर डाल देता Mata meu sangue.